हेलो फ्यूचर माइनर, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक नए सुबह और एक नए वीडियो के साथ। आज के इस वीडियो में हम SECL से रिलेटेड 20 MCQ देखने वाले हैं, जिसमें से 15 MCQ आपका माइनिंग पोर्शन से रहेगा और 5 MCQ आपका स्टेट यानी छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश का जनरल नॉलेज के बारे में रहने वाला है। तो आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है और ऐसा चांसेस है मे बी कि इसमें से कुछ क्वेश्चन आपका SECL में आ जाए, क्योंकि इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मैंने इस वीडियो में कंसिडर किया है। तो यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो ऐसे ही डेली सुबह MCQ प्रैक्टिस करने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, इस वीडियो को लाइक करें और जितना ज्यादा हो सके अपने दोस्तों और कलीग्स के साथ शेयर करें। चलिए बढ़ते हैं, देखते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन माइनिंग से रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 1 है, डिप्लेयरिंग ऑपरेशन इन फायर एरिया शुड बी कंडक्टेड फ्रॉम। फायर एरिया में जब हम लोग डिप्लेयरिंग करेंगे तो वो किधर से किधर की तरफ करेंगे। ऑप्शन नंबर ए डीप टू राइस करेंगे, ऑप्शन नंबर बी राइस टू डीप करेंगे, ऑप्शन नंबर सी जो है स्टाटा के कंडीशन के अकॉर्डिंग करेंगे, या फिर ऑप्शन नंबर डी नन। क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए डीप टू राइस। फायर एरिया में हमेशा जो डिप्लेयरिंग ऑपरेशन होता है वो डीप टू राइस किया जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है कि जो गोफ एरिया है वो वाटर में सबमर्ज हो जाए, वाटर में मिल जाए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। विच ऑफ द एक्सट्रैक्शन इज यूज्ड, विच लाइन ऑफ एक्सट्रैक्शन इज यूज्ड वेयर द रूफ इज बैड। लाइन ऑफ एक्सट्रैक्शन आपको पता होगा, लाइन ऑफ एक्सट्रैक्शन मतलब जैसे कि ये पिलर है तो इस पिलर को हम लोग किस लाइन में काट रहे हैं, मतलब कि ऐसे ऐसे करके काटना है या फिर ऐसे काटना है या फिर इधर की तरफ होके काटना है। तो बहुत सारा लाइन ऑफ एक्सट्रैक्शन होता है, जैसे डायगोनल लाइन ऑफ एक्सट्रैक्शन होता है जिसमें 45 डिग्री का एंगल बनता है, स्टेप डायगोनल होता है, स्ट्रेट लाइन होता है, वी लाइन ऑफ एक्सट्रैक्शन होता है। तो जब बैड रूफ होगा, रूफ जो है उसका कंडीशन सही नहीं होगा, वीक रूफ होगा, उस टाइम पे हम लोग कौन सा लाइन ऑफ एक्सट्रैक्शन यूज करेंगे। ऑप्शन नंबर ए डायगोनल, ऑप्शन नंबर बी स्टेप डायगोनल, ऑप्शन नंबर सी स्ट्रेट लाइन ऑफ एक्सट्रैक्शन, या फिर ऑप्शन नंबर डी वी लाइन ऑफ एक्सट्रैक्शन। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी स्टेप डायगोनल लाइन ऑफ एक्सट्रैक्शन हम लोग यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, CCE स्टैंड फॉर। CCE का मतलब क्या होता है? चेयरमैन कंट्रोलर ऑफ एक्सप्लोसिव, सर्टिफिकेट ऑफ कोड इक्विपमेंट, चीफ कंट्रोलर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, या फिर ऑप्शन नंबर डी चीफ कंट्रोलर ऑफ एक्सप्लोसिव। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी चीफ कंट्रोलर ऑफ एक्सप्लोसिव होता है CCE का फुल फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। फॉर एवरी 1 क्यूबिक मीटर ऑफ स्टॉपिंग, यहाँ पे टेम्पररी स्टॉपिंग की बात की जा रही है, 1 क्यूबिक मीटर स्टॉपिंग बनाने में कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर हम लोग को रिक्वायर्ड होता है फॉर कंस्ट्रक्टिंग टेम्पररी स्टॉपिंग। ऑप्शन नंबर ए 2 क्यूबिक मीटर, ऑप्शन नंबर बी 3 क्यूबिक मीटर, ऑप्शन नंबर सी 1 क्यूबिक मीटर, या फिर ऑप्शन नंबर डी 1.5 क्यूबिक मीटर। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, 1 क्यूबिक मीटर। 1 क्यूबिक मीटर टेम्पररी स्टॉपिंग बनाने में हम लोगों को 1 क्यूबिक मीटर ऑफ वाटर का रिक्वायरमेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ अब हम लोग अग्रसर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, असिस्टेंट मैनेजर शॉल डू अ थोरोली एग्जामिनेशन ऑफ FSL यानी फ्लेम सेफ्टी लैम्प एटलीस्ट वंस इन। असिस्टेंट मैनेजर जो है वो फ्लेम सेफ्टी लैम्प का जांच एक बार कम से कम कितने समय में करेगा। ऑप्शन नंबर ए 7 दिन, ऑप्शन नंबर बी 14 दिन, ऑप्शन नंबर सी 30 दिन, ऑप्शन नंबर डी 3 महीना यानी कि 90 दिन। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 7 दिन। असिस्टेंट मैनेजर 7 दिन में एक बार कम से कम क्या करेगा, फ्लेम सेफ्टी लैम्प का जांच थोरोली एग्जामिनेशन करेगा। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ अब हम लोग पढ़ते हैं। ड्यूटीज ऑफ शॉर्ट फायरर एट द एंड ऑफ हिज शिफ्ट इज रिलेटेड टू रेगुलेशन। ये रेगुलेशन का सीधा टाइटल से उठा के मैंने क्वेश्चन पूछा है, किस रेगुलेशन में आपको ये बताया जाता है कि शॉर्ट फायरर का ड्यूटी उसके शिफ्ट खत्म होने के बाद क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए 204, ऑप्शन नंबर बी 206, ऑप्शन नंबर सी 208, ऑप्शन नंबर डी 210। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, 206 रेगुलेशन में हमको ये बताया गया है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। टू डू एनी बिग चेंजेस इन वेंटिलेशन सिस्टम परमिशन शुड बी टेकन फ्रॉम। अब वेंटिलेशन अरेंजमेंट में, वेंटिलेशन सर्किट में अगर कोई बहुत बड़ा बदलाव करना है तो हम लोग को किससे परमिशन लेना होगा। ऑप्शन नंबर ए रीजनल इंस्पेक्टर ऑफ माइन, ऑप्शन नंबर बी चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस, ऑप्शन नंबर सी वेंटिलेशन ऑफिसर, ऑप्शन नंबर डी मैनेजर। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए रीजनल इंस्पेक्टर ऑफ माइंस से हम लोग को क्या करना होता है, परमिशन लेना होता है।
क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, ऑल शॉट फायरिंग एपरेटस शुड बी ऑफ अप्रूव्ड बाय। ये क्वेश्चन आप सभी को पता होगा, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। सारा शॉट फायरिंग एपरेटस जो है वो किसके अप्रूवल का होना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए RIM, ऑप्शन नंबर बी सेफ्टी ऑफिसर, ऑप्शन नंबर सी मैनेजर, ऑप्शन नंबर डी चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस के अप्रूवल का होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9 है, जो सैंपलिंग के लिए हम लोग एरिया को जोन और सेक्शन में बांटते हैं, तो जो जोन में बांटते हैं उसको किस चीज से रिप्रेजेंट करते हैं? 1, 2, 3 से, ABC से, क ख ग से, या फिर ऑप्शन नंबर डी नन। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जोन को हम लोग 1, 2, 3 से दर्शाते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है, हु विल फिक्स द पेमेंट ऑफ BME मेंबर। BME के जितने भी मेंबर होते हैं, बोर्ड ऑफ माइनिंग एग्जामिनेशन के जितने भी मेंबर होते हैं, उनका पेमेंट कौन फिक्स करता है? ऑप्शन नंबर ए RIM, ऑप्शन नंबर बी CIM, ऑप्शन नंबर सी सेंट्रल गवर्नमेंट, ऑप्शन नंबर डी नन। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा उनका पेमेंट जो है वो फिक्स किया जाता है और उनको पेमेंट दिया जाता है। ये सारा क्वेश्चन आपका रेगुलेशन से है। अगर आपको ये सब क्वेश्चन बनाने में दिक्कत हो रहा है, रेगुलेशन का क्वेश्चन बनाने में दिक्कत हो रहा है, तो आप माइनिंग मिस्ट्री चैनल का CMR 2017 का नोट्स खरीद सकते हैं। इस नोट्स, ये आपका एक फुल नोट्स है CMR 2017 का। इस नोट्स में आपको 800 प्लस क्वेश्चन का सेट मिलेगा, 70 से 80 इंपॉर्टेंट माइनिंग फुल फॉर्म्स मिलेंगे, जिससे डायरेक्ट आपके माइनिंग सरदार किसी भी सब्सिडरी के एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। और कुछ कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट इसमें मैंने इंक्लूड किया है जो मुझे इंपॉर्टेंट लगा, जैसे हॉलेज में, वाइंडिंग में, सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान में कुछ मैंने एक्स्ट्रा भी इसमें ऐड किया है। अगर आपको ये CMR 2017 का नोट्स परचेस करना है, तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप कॉन्टैक्ट करके इस नोट्स को जल्द से जल्द परचेस कर सकते हैं। ये इतना मैं गारंटी देता हूँ कि ये नोट्स से आपके आने वाले माइनिंग सरदार और ओवरमैन एग्जामिनेशन में आपको बहुत हद तक हेल्प मिलने वाला है। ठीक है, CMR 2017 आपका पूरे अच्छे तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। तो आपको अगर परचेस करना है, तो स्क्रीन पे नंबर है, आप उस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अब क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 है, हु विल इंश्योर दैट अप्रूव्ड टाइप ऑफ सेफ्टी लैंप इज बीइंग यूज्ड इन अंडरग्राउंड। अंडरग्राउंड माइंस में हमेशा अप्रूव्ड टाइप, यानी जो चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस ने अप्रूवल दिया है, उस टाइप का ही सेफ्टी लैंप हम लोग यूज करें, ये कौन इंश्योर करेगा, इसका ध्यान कौन रखेगा? ऑप्शन नंबर ए CIM, ऑप्शन नंबर बी RIM, ऑप्शन नंबर सी ओवरमैन, या फिर ऑप्शन नंबर डी सरदार। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ओवरमैन। ठीक है, इसका ध्यान जो है, इसका इंश्योरिटी ओवरमैन करता है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, हु कैन गिव ऑर्डर टू मेक मैनहोल ऑफ वेरियंस इन साइज अकॉर्डिंग टू CMR 2017 के तहत मैनहोल बनाने का कुछ रूल फिक्स किया गया है, उसका साइज डायमेंशन फिक्स किया गया है, तो उस साइज और डायमेंशन को छोड़ के उसको बढ़ाने और घटाने का परमिशन कौन दे सकता है? ऑप्शन नंबर ए CIM, ऑप्शन नंबर बी RIM, ऑप्शन नंबर सी बोथ, यानी दोनों में से कोई भी दे सकते हैं, या फिर ऑप्शन नंबर डी मैनेजर। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर होगा एज पर CMR 2017 ऑप्शन नंबर बी, रीजनल इंस्पेक्टर ऑफ माइंस इसको परमिशन दे सकते हैं साइज में वेरियंस लाने का, यानी छोटा बड़ा करने का। क्वेश्चन नंबर 13 है, PESO इज रिलेटेड टू। PESO किससे रिलेटेड है? ऑप्शन नंबर ए सपोर्ट से, ऑप्शन नंबर बी अंडरग्राउंड मशीनरी से, ऑप्शन नंबर सी PPE यानी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट से, या फिर ऑप्शन नंबर डी एक्सप्लोसिव से। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर आशा करता हूं कि आप सभी को पता होगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 13, एक्सप्लोसिव से रिलेटेड है। अब मैं आप सभी से ये रिक्वेस्ट करता हूं कि आप क्वेश्चन नंबर 13 का जो PESO है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, ये सभी आप मुझे कमेंट सेक्शन में इन्फॉर्म कीजिएगा, ताकि मुझे ये पता चले कि मेरे द्वारा अपलोड किया गया वीडियो से आप कितना सीख रहे हैं, या फिर माइनिंग में आप कितना कुछ जानते हैं। हो सकता है कि आप अलग चैनल से भी PESO का फुल फॉर्म देखा होगा, मतलब जो भी है, मुझे बस ये देखना है कि आपको सही पता है या फिर नहीं पता है। तो सभी जनों से मेरा ये रिक्वेस्ट है कि PESO का फुल फॉर्म आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, डैश शोस पोजीशन ऑफ कैप्स। वाइंडिंग अरेंजमेंट में कौन सा ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो कैप्स का पोजीशन को दिखाता है? ऑप्शन नंबर ए डॉक्स, ऑप्शन नंबर बी ऑटोमेटिक कैचेस, ऑप्शन नंबर सी ऑटोमेटिक इंडिकेटर, या फिर ऑप्शन नंबर डी नन। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ऑटोमेटिक इंडिकेटर जो है वो क्या करता है, कैप्स के पोजीशन को दिखाता है, दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, अनलेस परमिटेड बाय डैश फ्लिट एंगल शुड नॉट मोर देन 1.5 डिग्री। जब तक किसका परमिशन ना हो, तब तक जो फ्लिट एंगल है वो 1.5 डिग्री से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए CIM, ऑप्शन नंबर बी RIM, ऑप्शन नंबर सी मैनेजर, ऑप्शन नंबर डी ISO यानी इंटरनल सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन।
क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सीआईएम के परमिशन के बिना 1.5 डिग्री से बढ़ाया या घटाया नहीं जा सकता। 15 माइनिंग के क्वेश्चन हो गए। अब हम लोग बढ़ते हैं छत्तीसगढ़ स्टेट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन के बारे में। आज का ये जो सारा डाटा है मैंने छत्तीसगढ़ स्टेट के ऑफिशियल वेबसाइट से लिया है, तो इस पूरे डाटा को आप कहीं पे कॉपी में लिख लीजिए, आने वाले एसएससीएल एग्जामिनेशन में आपका ये मदद कर सकता है, ठीक है। टोटल पॉपुलेशन ऑफ छत्तीसगढ़, इसमें कोई संदेह नहीं है, ये मैंने ऑफिशियल वेबसाइट से लिया है, उसमें भी अबाउट करके दिया है, मतलब अबाउट लगभग इतना है छत्तीसगढ़ का पॉपुलेशन, 1.5 करोड़, 2.55 करोड़, 3 करोड़ या फिर 4.7 करोड़। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2.55 करोड़। इसको आप कहीं पे मेंशन कर लीजिए, या फिर अगर आपको डाउट हो रहा है तो छत्तीसगढ़ स्टेट के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आप ये डाटा को चेक कर सकते हैं। आपको थर्ड पार्टी वेबसाइट में जाने की जरूरत नहीं है, थर्ड पार्टी वेबसाइट में कहीं 2.5 दिखाएगा, कहीं 2.6 दिखाएगा, अलग अलग दिखाता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, पॉपुलेशन के हिसाब से पूरे इंडिया में छत्तीसगढ़ स्टेट का पोजीशन क्या है। ऑप्शन नंबर ए 10, ऑप्शन नंबर बी 5, ऑप्शन नंबर सी 15, ऑप्शन नंबर डी 16। क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 16, ठीक है, 16वां नंबर पे। ऐसे ही मैं जीके के लिए आपसे पूछ सकता हूँ ये कि सबसे ज्यादा पॉपुलेशन इंडिया में किस स्टेट का है, तो इसका आंसर होगा यूपी, ठीक है, यूपी में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है पूरे इंडिया में। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, बाउंड्री ऑफ छत्तीसगढ़ टचेज हाउ मेनी स्टेट, जो छत्तीसगढ़ राज्य का बाउंड्री है वो कितने स्टेट को टच करता है। ऑप्शन नंबर ए 2, ऑप्शन नंबर बी 7, ऑप्शन नंबर सी 5, ऑप्शन नंबर डी 4। क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 7 स्टेट को टच करता है, और ये स्टेट भी मैं आपको बता दूं, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, झारखंड और यूपी। आप कहीं पे नोट कर लीजिए इसको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, छत्तीसगढ़ इज ऑल्सो नोन एज, छत्तीसगढ़ स्टेट को हम लोग प्यार से और क्या बोलते हैं, गेहूं का कटोरा, धान का कटोरा, लोकप्रिय राज, या फिर ऑप्शन नंबर डी नन। क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, धान का कटोरा, या फिर आप चावल का कटोरा भी बोल सकते हैं। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 है कि आपको माइनिंग मिस्ट्री चैनल का पता कैसे लगा, स्टार्टिंग में आपको माइनिंग मिस्ट्री चैनल कहाँ से मिला। ऑप्शन नंबर ए व्हाट्सएप के थ्रू आप माइनिंग मिस्ट्री चैनल से जुड़े हैं, या फिर अपने फ्रेंड यानी आपको किसी अपने फ्रेंड से मिला है कि ये चैनल है इससे आप जुड़ सकते हैं, या फिर यूट्यूब रिकमेंडेशन आया था वीडियोज में, आप माइनिंग का देखते होंगे तो माइनिंग मिस्ट्री चैनल का भी रिकमेंडेशन आया था, या फिर आपने सर्च करके माइनिंग मिस्ट्री चैनल से जुड़े हुए हैं। तो इसका आंसर आप सभी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि माइनिंग मिस्ट्री चैनल तक आप कैसे पहुंचे, ठीक है। आशा करता हूं कि ये 20 क्वेश्चन आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगा, कुछ ना कुछ आप इससे जरूर सीखे होंगे, आज आप कुछ ना कुछ माइनिंग मिस्ट्री चैनल से जरूर सीख के जा रहे होंगे। तो ऐसे ही आपको अगर आदत बनाना है डेली एमसीक्यू सॉल्व करने का, तो आप हमारे माइनिंग मिस्ट्री चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और माइनिंग मिस्ट्री चैनल से जुड़ सकते हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद इतने देर तक माइनिंग मिस्ट्री चैनल से जुड़े रहने के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग, टिल देन जय हिंद।